हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आज की वीडियो है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपका नर्सिंग से हटके एक जो हमारा नॉन नर्सिंग पार्ट होता है, जो हमारा 20 मार्क्स का जो पार्ट होता है, जो हमें नोट सेट में, ESIC में, DSSB में, PGI चंडीगढ़ है, उनमें सब में दिया जाता है। तो मैंने इस वीडियो में आपके लिए यही सब टॉपिक्स मैंने प्रिपेयर किए हैं, और बाकी जो मैंने एक इस वीडियो में आपके लिए एक लिस्ट प्रिपेयर की है, तो इस लिस्ट में मैंने सारे टॉपिक्स आपके लिए मेंशन किए हैं। और टॉपिक्स में हमारे कौन कौन से सब टॉपिक्स आते हैं, तो इस लिस्ट में मैंने वो सब भी डाला है, ठीक है। तो बेसिकली ये वीडियो है, आपको अच्छे से समझ के करना है कि हमें जो नॉन नर्सिंग पार्ट है, जो हमारा 20 मार्क्स का जो पार्ट है, हमें कैसे करना है। क्योंकि देखो, हम जब भी सरकारी नौकरी के लिए पढ़ते हैं ना, जब भी हमें लगता है ना कि हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है ताकि हमारा ग्रेड पे अच्छा है, तो उस ग्रेड को पाने के लिए हमें थोड़ी मेहनत तो करनी होती है ना। तो वही चीज़ आपको इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको कैसे मेहनत करनी है, ठीक है। इसलिए क्योंकि एक चीज़ होती है कि नॉन नर्सिंग पार्ट जो है वो सब नहीं पढ़ के जाते, बट नर्सिंग पार्ट क्या है, सब पढ़ के जाते हैं। तो हमें सबसे हट के पढ़ना है, और अपना हर एक जो हमारा पोर्शन है, जो हमारा नर्सिंग पोर्शन है और हमारा नॉन नर्सिंग पोर्शन है, जो हमारा नॉन टेक्निकल पोर्शन है, वो भी हमें अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके जाना है, ताकि हम अपना नोट सेट में सिलेक्शन ले सके और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके, ठीक है। क्योंकि हम पूरी लाइफ तो हम नहीं पढ़ सकते हैं ना, तो हमें अपना एक स्पेसिफिक टाइम अपनी लाइफ को देना होता है, ताकि हम उस स्पेसिफिक टाइम में हम अपने अच्छे से प्रिपरेशन करें, और प्रिपरेशन करने के बाद हम अपनी सिलेक्शन लें, और सिलेक्शन लेने के बाद अपनी लाइफ को एंजॉय करें, ठीक है। तो बेसिकली मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने अपना एक प्रॉपर टाइम अपनी पढ़ाई को दिया था, तो ताकि मेरी लाइफ अच्छे से आगे रहे और मैं अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर पाऊँ। क्योंकि हम क्या करते हैं, कई बार हम प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारा वर्कलोड तो ज़्यादा होता ही है, बट एक मेंटल स्ट्रेस भी रहता है, ठीक है। कहीं ना कहीं ग्रेड पे में भी हमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो बेसिकली मैं यही बोलूँगी कि आप जो ये वीडियो है अच्छे से देखना, जैसे मैंने बताया है उसको अच्छे से वैसे ही प्रिपेयर करना जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, और 100% आपका नॉट सेट में सिलेक्शन होगा। कोई भी आपकी गवर्नमेंट जो वैकेंसीज आती है उसमें आपका सिलेक्शन होगा, अगर जैसे मैं आपको बता रही हूँ आप लोग वैसे पढ़ेंगे तो, क्योंकि मैंने भी अब पढ़ के ऐसे ही सिलेक्शन लिया है, ठीक है। देखो, कई बार क्या होता है कि हम 4 साल में, या हम BSc ऑनर्स नर्सिंग करते हैं, हम GNM करते हैं, ठीक है, उसमें हमें सिर्फ नर्सिंग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उसमें हमें जो नॉन नर्सिंग पार्ट होता है उसका कोई आइडिया नहीं होता, ठीक है। तो हमें वो चीज़ हमारे दिमाग में रहती भी नहीं, जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता भी है कि ये नहीं नहीं हमसे नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको यही बताऊँगी कि आपको पढ़ना है कैसे, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर की है, तो इस लिस्ट में मैंने जितने भी हमारे नॉन नर्सिंग जितने भी हमारे टॉपिक्स है, टॉपिक्स के अंदर जितने सब टॉपिक्स है, वो कौन कौन से नोट सेट में, ESIC में, PGI चंडीगढ़ में, इन सब में पूछे जाते हैं, जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर की है। तो ये लिस्ट मैं आपको लास्ट में जो वीडियो है उसमें अपलोड कर दूंगी, ताकि आप भी मेरी तरह ये लिस्ट अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, और जहाँ आप पढ़ते हैं इस लिस्ट को आप वहाँ पर पेस्ट कर सकें, ताकि आपको पता चलता रहे कि इसमें कौन कौन से हमारे एग्ज़ाम्स में, नोट सेट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कौन क्वेश्चन में कौन कौन से सब टॉपिक्स हमारे आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये टॉपिक्स हैं, मैंने इसमें बहुत अच्छे से ढूंढ के आपको बताया है कि कैसे आपको लिस्ट प्रिपेयर करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन कौन से सब टॉपिक्स आते हैं। तो बेसिकली अब मैं आप स्टार्ट कर रही हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक, ये चीज़ आप ना अच्छे से ध्यान से पढ़ना, और ये हमेशा ना दिमाग में एक चीज़ बिठा के रखना आप लोगों को कि नर्सिंग पोर्शन सबको आता है, बट नॉन नर्सिंग बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो हमें क्या करना है, नॉन नर्सिंग पार्ट तो हमें आता ही है, ठीक है, और हम नर्सिंग पार्ट तो हमें आता ही है, बट हम नॉन नर्सिंग पार्ट भी अगर पढ़ेंगे तो हमारा, इसका मतलब हमारा नर्सिंग पार्ट भी स्ट्रॉन्ग है और नॉन नर्सिंग पार्ट भी स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब हमारा सिलेक्शन जो है 100% है, ठीक है। तो बेसिकली हमें सबसे पहले क्या करना है, अपनी एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है, तो लिस्ट में हमें वो सब टॉपिक्स लिखने हैं जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, मैं जो सबसे पहले आपको बता रही हूँ, इसमें मैं हमारा जो होता है सिटिंग अरेंजमेंट, बेसिकली जो सिटिंग अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट में भी हमारे बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं। सिटिंग, आप जैसे मैं आपको ये सब चीज़ें बता रही हूँ, तो आप एक लिस्ट प्रिपेयर करो, आप साथ साथ में पेन या कॉपी लेके बैठ सकते हो और उसमें लिख सकते हो जो मैं बता रही हूँ आपको। देखो, सबसे पहले होती है हमारे सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट में आपको वो सर्कल वाला भी पूछ सकता है, आपको स्क्वायर वाला भी पूछ सकता है, उसमें हमारा रेक्टेंगल वाला भी पूछ सकता है, ठीक है। स्क्वायर में वो हमारा सिंगल लाइन भी पूछ सकता है और दो पैरेलल लाइन का भी पूछ सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा सिटिंग अरेंजमेंट। दूसरा हमारा आता है
रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो एंड प्रोपोर्शन में हमारा वो डुप्लीकेट टाइप भी दे सकता है, सब डुप्लीकेट भी दे सकता है, ट्राई डुप्लीकेट भी दे सकता है, या कंपाउंड रेशो भी दे सकता है। तो ये हो गए हमारे रेशो एंड प्रोपोर्शन के सब टॉपिक्स, ठीक है। फिर आता हमारा रैंकिंग सिस्टम। रैंकिंग सिस्टम में हमारा वो टॉप से भी दे सकता है, बॉटम से भी दे सकता है, टोटल नंबर भी दे सकता है, और इंटरचेंज भी कर दे सकता है, ठीक है। ये हमारे सब टॉपिक्स हो गए हमारे रैंकिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। फिर होता है हमारा डाइस का क्वेश्चन। डाइस में हमारा वो कलर का भी दे सकता है, ठीक है, ऑपोजिट फेसेस का भी दे सकता है। तो आपको ये इसके सब टॉपिक से भी पढ़ना है, ठीक है। फिर आता है हमारा कोडिंग एंड डीकोडिंग। कोडिंग एंड डीकोडिंग में वो आपको नंबर का भी दे सकता है और अल्फ़ाबेटिकली भी दे सकता है। तो आपको कोडिंग और डीकोडिंग में आपको नंबर वाला भी करना है और अल्फ़ाबेटिकली वाला भी करना है, ठीक है। फिर हमारा आता है डायरेक्शन टेस्ट। तो डायरेक्शन टेस्ट में आपको वो क्लॉक वाइज भी देगा और एंटी क्लॉक वाइज भी दे सकता है, ठीक है। तो जो हमारा एंटी क्लॉक वाइज में वो आपको डिस्टेंस बेस भी दे सकता है, कंडीशन बेस भी दे सकता है, शेडो बेस भी दे सकता है, और एंगल बेस भी दे सकता है, ठीक है। फिर आती है हमारी बात टाइम एंड वर्क की। टाइम एंड वर्क में वो हमारा ए का टाइम भी पूछ सकता है, बी का भी वर्क पूछ सकता है, और दोनों टोटल मिला के उन्होंने कितना कैसे टाइम कैसे अपना काम किया, तो वो भी पूछ सकता है, ठीक है। उसमें हमारा वेन डायग्राम भी आता है, साइलोजिज्म भी आता है, ठीक है, परसेंटेज के क्वेश्चंस भी आते हैं, सीरीज भी आती है, ठीक है, एनालॉजी टेस्ट भी आते हैं, और नंबर ऑफ सीरीज भी आती है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया कि ये कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि नोसेट में या फिर कोई भी हमारा एग्जाम हो उसमें हमारी छोटी छोटी जो डेफिनेशंस होती है वो भी पूछी जाती हैं, ठीक है। छोटी छोटी डेफिनेशन होगी, जैसे ओड नंबर क्या होता है, ठीक है, ओड नंबर नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है, इरेगुलर नंबर क्या होता है, ये सब चीज़ें होगी। तो ये हमारी छोटी छोटी जो डेफिनेशंस होती है ये भी आ सकती है, ठीक है। जैसे हमारा प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। अब ये आप लोगों ने बना ली एक लिस्ट, ठीक है। अब इसको पढ़ना कैसे है, आप लोगों को स्टार्ट करने का कैसे है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने अपना नो नर्सिंग पार्ट पढ़ना स्टार्ट किया था तो मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे बेस लेवल तक का भी नहीं आता था कि मुझे पढ़ना कैसे है, ठीक है। बट मैंने इसको अपना स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि जब मैंने नोटसेट लिखा था, जब मैंने अपना नोटसेट दिया था, जब मैंने अपना सिलेक्शन लिया था, तो मैंने नोटसेट में 20 में से 18 क्वेश्चंस करे थे, जहां मेरे को सिर्फ उसका बेसिक लेवल भी नहीं आता था, बेसिक चीज़ भी नहीं पता था कि हमारा जीके मैथ रीजनिंग में होता क्या है, ठीक है। बट मैंने अपना पार्ट स्ट्रॉन्ग किया और मैंने ये सब चीज़ें पढ़ी और मैंने सिलेक्शन लिया। तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, आप लोगों को भी पढ़ना है और सिलेक्शन लेना, और अपना नर्सिंग पार्ट और नॉन नर्सिंग पार्ट को भी दोनों को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। ये आ गई बात हमें। अब हमने लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद हमने पेस्ट कर लिया, अब हमें पढ़ना कैसे है। ऐसा नहीं है, आपको हमेशा स्टार्ट करना है बिल्कुल बेसिक से, कि इसका बेसिक छोटे से छोटा क्वेश्चन कैसे होता है, देन उसके बाद आपको हायर क्वेश्चन पे जाना है, ठीक है। हमेशा बेसिक से स्टार्ट करना है, देन उसके बाद हायर क्वेश्चन पे जाते हैं, क्योंकि आप जब बेसिक पढ़ोगे तभी आपका उसका हायर लेवल का क्वेश्चन आपको समझ आएगा, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी क्वेश्चन की। तो आपको कैसे करना है, डेली आपको एक इसका टॉपिक लेना है और उसी टॉपिक का आपको एक सब टॉपिक्स सब टाइप आपको पढ़ना है, ठीक है। अभी आपके पास 50 से 55 या 50 डेज है, अगर आप इतने सारे तो टॉपिक है नहीं, अगर आप डेली एक एक टॉपिक भी पढ़ेंगे, अगर आपको नहीं समझ आता तो उससे आप नेक्स्ट डे भी पढ़ सकते हैं। वही अगर जैसे आपने एक टॉपिक आज पढ़ा आपको नहीं समझ आया तो उसको वही चीज़ आपको नेक्स्ट डे उठानी है, ठीक है। फिर आपको नहीं समझ आता हो तो उसको नेक्स्ट डे उठानी है, वो चीज़ पढ़नी है, ठीक है। अगर उससे भी समझ नहीं आ रहा तो उसे नेक्स्ट डे पढ़ाए। तो आपको ये चीज़ें छोड़नी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप कभी भी नई चीज़ पढ़ते हो ना तो आपको एकदम से समझ नहीं आती है। तो आपको क्या करना है, उस चीज़ को छोड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम में 0.5 मार्क्स भी आपका मैटर करता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपने इसका कोई भी टॉपिक उठाया, आपको YouTube पे डालना है। जैसे मैं सीरीज़ डाल रही हूँ तो आपको सीरीज़ उसमें लिखना है कि सीरीज़, ठीक है, सीरीज़ जिसमें बहुत सारे YouTube चैनल्स हैं उन्होंने ये वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपने वो टॉपिक्स आपने YouTube में डाला, आप उसको सर्च करेंगे तो आपको उसमें बहुत सारे सब टाइप्स आ जाएंगे कि सीरीज़ में ये हमारे सब टाइप्स आते हैं, तो वो आपको वीडियो शो हो जाएंगी। तो आपको वैसे ही करके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ये सब चीज़ें आपको YouTube से सीखना है, बाकी जो टारगेट हाई है हमारी उसके पीछे भी हमारा ये कंटेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको अपना नर्सिंग पार्ट भी स्ट्रॉन्ग करना है और नॉन नर्सिंग पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है, और आपको सिलेक्शन लेना है ताकि अपनी लाइफ को आप एंजॉय कर सकें, क्योंकि आप पूरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ किताबों के पीछे नहीं भाग सकते, आप पूरी ज़िंदगी आप पढ़ नहीं सकते। तो क्योंकि आपका स्पेसिफिक टाइम एक पढ़ाई के लिए होना चाहिए और स्पेसिफिक टाइम आपके लाइफ एंजॉय करने के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको इस वीडियो में इतना सब बताया, और मैं बाकी ये लिस्ट जो है मैं अपनी आपको लास्ट में अपलोड कर दूंगी, जिसमें आप देख के भी लिख सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता भी दिया है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप मुझे
कुछ भी चीज़ हो, आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। और बाकी मेरी इंस्टा आईडी है sonia5896, अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, और बाकी आप कमेंट करके भी मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और सबसे पहली बात तो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो, पॉजिटिव रहो, ठीक है, और अपना एक टाइम सिलेक्शन के लिए लो, अपने एक टाइम अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए लो, ठीक है। बाकी मैं इस वीडियो में इतना ही सब बोलूँगी, बी पॉजिटिव और सिलेक्शन लो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। थैंक यू।